हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 15th of July 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस इन डेवलपिंग कंट्री रिपोर्ट। राइट आंसर ऑफ फर्स्ट इज ए विच इज UNDP, इट्स यूनाइटेड नेशन डेवलपिंग प्रोग्राम। ओके, तो जस्ट बिकॉज यहाँ पे दो चीज, लाइक इफ आई टॉक अबाउट इन सिंपल वे, यहाँ पे पॉवर्टी की बात की जा रही है। ओके, एंड इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो काफ़ी बड़े फैक्टर अभी के हिसाब से दिखाए जा रहे हैं। पहला फैक्टर है हमारा वॉर, रशिया एंड यूक्रेन के बीच में वॉर, एंड दूसरा है COVID-19। ओके, तो इन दोनों के कारण यहाँ पे भी चीज़ें दिखाई जा रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जस्ट बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर यहाँ पे 10 मिलियन पीपल जो है वो पॉवर्टी में, मतलब ऑलरेडी दे फॉल इन द पॉवर्टी। ओके, एंड इसके अलावा COVID-19 के कारण यहाँ पे अराउंड 71 मिलियन पीपल जो है वो पॉवर्टी में जा चुके हैं। यहाँ पे कई सारे रीजंस हैं, लाइक पहला तो हो गया ग्लोबल फूड एंड एनर्जी के जो प्राइजेस हैं वो काफ़ी मतलब कि हाई जा चुके हैं, और भी इसमें कई सारे अलग अलग फैक्टर्स आते हैं। एक्सेप्ट दैट अगर हम बात करें यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज़ की, तो देर आर 159 डेवलपिंग कंट्रीज़। ओके, और साथ में कुछ कर्ज कर जो हम लोग कर्ज़ा ले लेते हैं वो भी एक यहाँ पे फैक्टर है, लाइक कर्जे के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वो भी यहाँ पे काफ़ी बड़ा फैक्टर यहाँ पे लाइक रूल करता है। ओके, राइट आंसर ऑफ फर्स्ट इज ए विच इज UNDP, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेट ऑफ रिटेल इन्फ्लेशन रिकॉर्डेड इन इंडिया इन June 2021। सो राइट आंसर ऑफ सेकंड इज सी विच इज 7.01%। ओके, तो जून में यहाँ इतना है, इसके अलावा हम बात करें मई की, बिकॉज कंपेयर करना इंपॉर्टेंट होता है, 7.04, यानी कि ज़्यादा कोई बड़ा चेंज देखने को मिला नहीं, बस हल्का दम स्लाइटली सा यहाँ पे चेंज है, और जो भी है क्या ही बोल सकते हैं इसके अलावा। तो यहाँ पे CPI जो है कितना हो गया हमारा 7.01%। ओके, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसके अलावा हम बात करें तो जस्ट बिकॉज ऑफ हाई एडिबल ऑयल प्राइजेस, ये भी एक यहाँ पे है। इसके अलावा जितनी भी कमोडिटीज़ हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं, कमोडिटीज़ में सब कुछ आ जाता है, लाइक यूटेंसिल्स आ जाएंगे, बुक्स आ जाएंगी, जितना भी चीज़ है ए से लेकर जेड तक जितनी भी चीज़ें सब इसके अंदर आ जाएगा। ओके, इसके अलावा यहाँ पे कई सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि डिस्टर्बेंस इन सप्लाई चेन इशू जो है एक ये हो जाता है। इसके अलावा क्रूड ऑयल प्राइजेस जो है वो इंक्रीज हो गए। इसके अलावा हम बात करें तो जियोपॉलिटिकल टेंशन। ओके, ये कुछ यहाँ पे चीज़ें हैं जिसके कारण जो महंगाई है वो बढ़ रही है। ओके, कोविड तो और COVID-19 भी आप कह सकते हो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है महंगाई में। ओके, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द वेन्यू ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर मिनिस्टर्स। राइट आंसर ऑफ थर्ड इज सी विच इज़ बैंगलोर। ओके, तो यहाँ पे एक टर्म यूज किया गया है हॉर्टिकल्चर, तो हॉर्टिकल्चर मतलब होता है गार्डनिंग या फिर बगीचे ये सब। ओके, सो इसके अलावा हम और इसमें कुछ बात करें तो यहाँ पे ये है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंदर इसको ऑर्गेनाइज किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के द्वारा, यहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया। ओके, ये दो दिन का प्रोग्राम था या फिर कह सकते हो दो दिन का कॉन्फ्रेंस था ये, एंड इसको यहाँ पे किस किस ने मतलब अटेंड किया, तो यहाँ पे जो मेन जो इंसान थे वो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो हमारे श्री नरेंद्र सिंह तोमर, ये यहाँ पे हेड थे। इसके अलावा और भी जितने भी अलग अलग जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर से जो मेन इंपॉर्टेंट लोग हैं वो यहाँ पे आए हुए थे, साथ में कर्नाटका के भी यहाँ पे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर वो यहाँ पे आए थे। तो बेसिकली ये तो हो गया कि भाई कौन कौन आया था, एक्सेप्ट दैट फोकस कहाँ किया गया डिजिटल एग्रीकल्चर में। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के ऊपर यहाँ पे फोकस किया गया। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे नेशनल फूड सिक्योरिटी, ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक्सेप्ट दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ई नैम क्या है, इट्स इलेक्ट्रॉनिक हो गया, इसका मतलब नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ओके, तो बेसिकली बोला गया कि भाई ई नैम के ऊपर जो है वो काफ़ी बढ़िया जगह, मतलब एक काफ़ी अच्छी जगह है जहाँ पे बेटर प्राइजेस मिल सकते हैं जितने भी एग्रीकल्चर के कमोडिटीज़ या फिर जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट यहाँ पे उगाए जाते हैं उन सब के लिए। ओके, एंड यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिया गया नेचुरल फार्मिंग को भी, कि लाइक नाउ यू गाइस कैन स्टार्ट द नेचुरल फार्मिंग, बिकॉज हम लोग को अभी जो जितने भी केमिकल्स वाले हैं इनको धीरे धीरे करके ख़त्म करना है, नॉट लाइक श्रीलंका कि भाई एक दिन में पलट कर रख दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्विटर हैज़ हायर टॉप लॉ फर्म टू चार्ज लीगल एक्शन अगेंस्ट टेस्ला एंड स्पेस एक्स ऑन द डिसीजन टू टर्मिनेट द डैश टेक ओवर डील। राइट आंसर ऑफ फोर्थ इज डी विच इज $44 billion का यहाँ पे डील किया गया था, लाइक एलॉन मस्क जो हैं वो ट्विटर को यहाँ पे खरीदने वाले थे, लेकिन अभी उन्होंने मतलब बोल दिया कि भाई हम नहीं खरीदेंगे, या फिर साथ में मतलब उन्होंने मेल किया कि दैट देयर आर सम मल्टीपल ब्रीच इन कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी हाँ उल्टा हो गया, मल्टीपल ब्रीच इन कॉन्ट्रैक्ट, साथ में बोला गया कि भाई अभी के लिए हम इसको पोस्टपोन कर रहे हैं, एंड दे उन्होंने कुछ यहाँ पे रीजंस दिया, जैसे यहाँ पे बोला कि लाइक मोर देन 5% जो अकाउंट्स इसमें हैं वो फेक हैं या फिर बॉट्स हैं, बॉट्स मतलब कि ऑटोमेटिक ये काम करते हैं, इसको सिर्फ जो भी इसमें लाइक जो भी यहाँ पे फीड कर देता है वो ऑटोमेटिक करता है। ओके,
यहाँ पे जो ट्विटर है उसने काफ़ी मतलब बड़े बड़े यहाँ पे लॉ फर्म से बात किया, जैसे कि एक हो गया लिप्टन LIPTON, साथ में रोज, और भी कई सारे यहाँ पे लॉ फर्म्स हैं जो कि न्यूयॉर्क बेस्ड हैं। ओके, इसके अलावा हमारे जो भाई इलॉन मस्क भी तो अपने हिसाब से कुछ ना कुछ देखेंगे, तो यहाँ पे इन्होंने क्विंस इमैनुअल को यहाँ पे बुलाया, मतलब ये भी एक लॉ लॉ फर्म है, यहाँ पे बुलाया, और अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। ओके, ये ब्रीच। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंपनी सेट टू प्रोड्यूस इंडिया फर्स्ट क्वाड्रीवेलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस अगेंस्ट सर्विकल कैंसर। राइट आंसर ऑफ फिफ्थ इज बी, विच इज सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ओके, तो इसके द्वारा इसको यहाँ पे नया एक वैक्सीन जो है वो लॉन्च किया गया, एंड इसको DGCI ने यहाँ पे अप्रूव कर दिया। DGCI क्या होता है इसका फुल फॉर्म? इट्स ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने यहाँ पे इसको अप्रूवल दे दिया है, वैक्सीन फॉर सर्विकल कैंसर। ओके, तो बेसिकली आप कह सकते हो कि ये दूसरा सबसे ज़्यादा मतलब फ्रीक्वेंट कैंसर है जो कि वुमेंस में ज़्यादा पाया जाता है, स्पेशली बिटवीन दी एज ऑफ 15 to 44, या फिर आप 40, हाँ 15 to 44 के बीच में जो वुमेंस हैं उनके बीच में मत उनके उनमें ये कैंसर ज़्यादा देखने को मिलता है। ओके, एक्सेप्ट दैट इसका इस पर्टिकुलर जो कैंसर का जो मतलब डेथ रेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई है। ओके, तो इस चीज़ को रोकने के लिए यहाँ पे इस पर्टिकुलर वैक्सीन को यहाँ पे बनाया गया बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। ओके, ये एक इंडिजीनियसली डेवलप्डेड वैक्सीन है अगेन, जो कि काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा है और काफ़ी इफेक्टिव है। इससे जो डेथ रेट्स हैं वो कम हो जाएंगे और जो महिलाएं हैं वो बची रहेंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट द सेंटर्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी एट द प्री प्राइमरी लेवल। राइट आंसर ऑफ सिक्स इज बी, विच इज उत्तराखंड। ओके, तो उत्तराखंड के यहाँ पे जो हमारे CM पुष्कर सिंह धामी हैं उन्होंने कुछ यहाँ पे इनाग्रेट किया, जिसको बोलते हैं बाल वाटिका, कहाँ पर? आंगनवाड़ी केंद्र में। यहाँ पे और भी एक नंबर दिया गया था कि भाई उत्तराखंड में पूरा 4,457 आंगनवाड़ी केंद्र है, और इन सब में ही मतलब कह सकते हो बाल वाटिका जो है उसको शुरू किया। बाल वाटिका की इक्विवेलेंस कितना होगा? ये एक नर्सरी क्लास कह सकते हो आप। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे बोला गया है कि भाई दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग, और हम लोग मतलब यहाँ पे कल्चर बेस्ड एजुकेशन पे यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। एक्सेप्ट दैट यहाँ पे पूरा फोकस रहेगा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, साथ में मतलब जो जो भी यहाँ पे वो पढ़ाई करेंगे इसके थ्रू उनको स्किल्ड भी बनाया जाएगा, और साथ में इन फ्यूचर उनके जॉब्स के जो चांसेस वो काफ़ी बढ़ जाएंगे। एक्सेप्ट दैट यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे एक पर्टिकुलरली NCERT की एक पूरी बिल्डिंग बनाई है गई है, जिसके थ्रू जितना भी इसका करिकुलम होगा वहाँ पर डिसाइड किया जाएगा। साथ में इन्होंने ये भी बोला है कि भाई 2030 तक हम लोग जो है इसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी को फुल्ली वे में इसको हम लोग इंप्लीमेंट कर देंगे, तो ये भी अच्छी बात है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आनी भी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द जापान्स ऑर्डर ऑफ द राइज सन अवार्ड। राइट आंसर ऑफ सेवेंथ इज सी, विच इज नारायण कुमार, नारायणा कुमार। ओके, यहाँ पे टिक कर देते हैं, एंड इसके अगर हम बात करें तो बेसिकली किस किस चीज़ के लिए इनको दिया गया? फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड द स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमी रिलेशन बिटवीन जापान एंड इंडिया। जापान और इंडिया के बीच में जितनी भी इकोनॉमी रिलेशंस हैं इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से इसको मतलब कह सकते हो इन्हेंस किया या फिर मजबूत किया। ओके, और इसी में इनका पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया हुआ था। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो किसके द्वारा दिया गया? टागा, नाम पूरा लिख देते हैं अच्छे से। ओके, तो ये जो अवार्ड है ये बेसिकली टागा मासायुकी के द्वारा इसको दिया गया था, और ये क्या है, ये बेसिकली आप कह सकते हो कॉन्सोल, CONSUL, कॉन्सोल जनरल ऑफ जापान है, और ये जो पूरा यहाँ पे जितना भी ये जो भी यहाँ पे हुआ था अवार्ड गिविंग सेरेमनी ये चेन्नई में हुआ था। ओके, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो फ्रेंडशिप है उसको भी यहाँ पे प्रमोट किया गया, गुडविल, साथ में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन जापान एंड इंडिया। ओके, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो नारायण कुमार है ये बेसिकली इंडो जापान के सॉरी इंडो जापान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के यहाँ पे ये हेड भी है। इसके अलावा ये कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के ये प्रेजिडेंट भी हैं। ओके, आप इनके बारे में और जान सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री फॉर्मर क्रिकेटर बैरी सिंचर हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली। राइट आंसर ऑफ एट्थ इज डी, विच इज न्यूजीलैंड। ओके, तो ये 85 ईयर्स के थे, इन्होंने काफ़ी अच्छा खासा अपने टाइम पे प्रदर्शन किया था, स्पेशली अगर हम बात करें तो 1963 से लेकर के 19 होना चाहिए पहले तो 8 के बीच में इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से काम मतलब काफ़ी ढंग से खेला था। इन्होंने 100 रन स्कोर किए थे इन टेस्ट क्रिकेट मैचेज। ओके, एंड इसके अलावा ये जो है ये लाइक अराउंड 21 डिफरेंट टेस्ट मैचेस खेला था इन्होंने न्यूजीलैंड की तरफ से। ओके, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मॉन्टी नॉर्मैन हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, हु वॉज ही? राइट आंसर ऑफ नाइन्थ इज ए, विच इज म्यूजिशियन। तो आप लोगों ने जेम्स बॉन्ड मूवी जो देखी होगी आपने, उसमें जो थीम होता है लाइक जो उसके पीछे जो बैकग्राउंड का म्यूजिक होता है उन्होंने इसको मतलब डिज़ाइन किया था या फिर पूरा बनाया था। 94 उम्र थी इनकी, एंड देन ही लीव दिस वर्ल्ड जस्ट बिकॉज ऑफ इलनेस। ओके, ये भी आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट लाइक रिनाउंस्ड म्यूजिशियन ऑफ देयर टाइम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली विच बैंक हैज़ बीन फाइंडेड ₹5.72 करोड़ बाय RBI। राइट आंसर ऑफ टेंथ इज बी, विच इज फेडरल बैंक। ओके, तो फेडरल बैंक ने यहाँ पे क्या क्या गलती की थी? तो पहला यहाँ पे गलती किया इसने KYC के थ्रू,
जो भी यहाँ पे नॉर्म्स है वो फॉलो नहीं किया, साथ में जो आरबीआई के जितने भी रूल्स है उसको यहाँ पे इन्होंने ढंग तरीके से मतलब फॉलो नहीं किया था, एक्सेप्ट दैट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे अगर हम बात करें जो कि फेडरल बैंक ने यहाँ पे किया है वो है दे आर नॉट पेइंग इंसेंटिव टू देयर स्टाफ मेंबर्स। मतलब इंसेंटिव बेसिकली मिलता है किस चीज़ में, इंश्योरेंस पॉलिसीज में। तो जो यहाँ पे इंसेंटिव जो इनके स्टाफ्स को स्टाफ जो है उनको मिलना चाहिए वो फेडरल बैंक दे नहीं रहा था, तो उसके वजह से यहाँ पे 5.72 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पे फाइन इम्पोज किया किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एयरपोर्ट विल बिकम द कंट्रीज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट रिसेंटली। राइट आंसर ऑफ 11th इज सी विच इज लेह एयरपोर्ट। ओके, इसको किसने रिलीज किया था, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यहाँ पे इन्फॉर्म किया कि भाई जो लेह एयरपोर्ट है वो पूरा कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट बन चुका है और कंट्री का फर्स्ट है। इसका मतलब ये कि किसी भी एग्जाम में आराम से यहाँ पे पूछा जा सकता है। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी यहाँ पे इन्होंने यूज़ की जिसके थ्रू ये मतलब कार्बन न्यूट्रल बन गया, तो इसको बोलते हैं जियो थर्मल, HERML, जियो थर्मल यहाँ पे सिस्टम है, इसके थ्रू यहाँ पे ये लोग पूरी तरीके से बन गए। ओके, साथ में यहाँ पे बोला इन्होंने कि भाई हम लोग सोलर पावर प्लांट भी यहाँ पे हमने लगाया जिसके थ्रू भी हमने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे अचीवमेंट कर लिया। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे 900 टन जो यहाँ पे कार्बन इमिट होता था अब वो हर साल कम हो जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है नेचर के लिए, उस आसपास के इन्वायरमेंट के लिए, और जो लद्दाख वाला रीजन है पूरा लाइक बर्फीला इलाका है। ओके, तो वहाँ पर जो लोग हैं उनके लिए भी काफ़ी इन्वायरमेंट क्लीन रहेगा। ओके, क्लीन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज इनॉग्रेटेड द एयरपोर्ट इन देवघर ऑफ विच स्टेट हैज। राइट आंसर ऑफ 12th इज इट्स डी विच इज झारखंड। तो ना सिर्फ यहाँ पे एयरपोर्ट यहाँ पे इन्होंने बनाया, साथ में यहाँ पे एक एम्स को भी यहाँ पे इनॉग्रेट किया है। ओके, एम्स मतलब वो हॉस्पिटल वाला। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे अगर हम बात करें कि लाइक देवघर में कौन कौन आए हुए थे लाइक इनॉग्रेट करने के लिए, तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी तो थे ही, साथ में यहाँ पे सीएम हेमंत सोरेन यानी कि झारखंड के जो सीएम है वो भी यहाँ पे थे, और साथ में यूनियन एविएशन मिनिस्टर, जस्ट बिकॉज कि एयरपोर्ट का मामला है इसलिए वो यहाँ पे थे, एंड उनका नाम क्या है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो भी यहाँ पे थे और इन सब ने मिलकर के इनॉग्रेट किया। ओके, और अगर हम बात करें एयरपोर्ट की कुछ स्पेसिफिकेशन की, तो इट्स 657 एकड़ का ये है, एक्सेप्ट दैट 400 करोड़ रुपीज़ इसको बनाने में लगा है। इसकी फर्स्ट फ्लाइट जो थी वो कोलकाता के लिए रवाना की गई बाय इंडिगो। ओके, इंडिगो के द्वारा इसको लॉन्च मतलब रवाना किया गया फर्स्ट फ्लाइट। एक्सेप्ट दैट 2500 मीटर्स का इसका रनवे है और मतलब बोला गया कि भाई इतना सही तरीके से बना हुआ है कि इसके ऊपर कोई भी एयर बस जो है वो लैंड कर सकता है। एक्सेप्ट दैट जो हमारे यूनियन एविएशन मिनिस्टर जो है उन्होंने बोला है कि भाई आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे तीन और लाइक झारखंड में ही डेफिनेटली तीन और यहाँ पे एयरपोर्ट्स बन जाएंगे। ओके, 3 मोर एयरपोर्ट विल बी लाइक कंस्ट्रक्टेड। एक्सेप्ट दैट इसके द्वारा मतलब बिहार और वेस्ट बंगाल को काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है एंड जो जो रूट्स हैं वो भी यहाँ पे बनाए जाएंगे। ओके, काफ़ी अच्छी बात है। और एम्स का मैंने बता दिया वो भी यहाँ पे इन्हीं के द्वारा यहाँ पे इनाग्रेट किया गया था, जो कि और अच्छी बात है, वहाँ पे हेल्थ वगैरह का ठीक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ रिसेंटली राइजन टू द टॉप ऑफ द ICC ODI बॉलर रैंकिंग। राइट आंसर ऑफ 13th इज ए विच इज जसप्रीत बुमराह। ओके, तो बेसिकली ये नंबर 1 पे रहे हैं। ओके, ये भी आप लोग याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये तो बॉलिंग में हो गया, साथ में यहाँ पे अगर मैं बैटिंग में आपको बता दूँ तो विराट कोहली और रोहित शर्मा जो है इन्होंने 3rd पोजीशन और 4th पोजीशन जो है वापस इन मतलब इनको मिल चुकी है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है और बोल सकते हो कि बैटिंग रैंकिंग जो 2022 है उसमें यहाँ पर इनका नाम आ गया है। अगर हम बॉलर रैंकिंग की बात करें तो जसप्रीत बुमराह जो है वो नंबर 1 पे रहे हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा कि सबसे नंबर 1 पे किस चीज़ में, ICC ODI बॉलर में। ओके, 2022 का रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा बता रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बिकम द फास्टेस्ट इंडियन बॉलर टू टेक 150 ODI विकेट रिसेंटली। राइट आंसर ऑफ 14th इज बी विच इज मोहम्मद शामी। ओके, तो ये भी काफ़ी अच्छे गेंदबाज हैं और इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है, अरिजीत अगनकर। ओके, अरिजीत अगंकर ने इन इस मतलब जो मोहम्मद शामी है इन्होंने इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया, इससे पहले यही थे और ये अभी इंडिया के फास्टेस्ट बॉलर बन चुके हैं। ओके, तो काफ़ी अच्छी बात है, ऐसा प्रोग्रेस होते रहना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ रिसेंटली वॉन द ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड फॉर जून 2022। राइट आंसर 15th इज ए विच इज जॉनी बेयरस्ट्रो, ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं और ये मेंस का बताया मैंने। अगर मैं वुमेंस का यहाँ पे बताऊँ तो ये मारिजेन कैप, ये साउथ अफ्रीका से हैं, ये वुमेंस लाइक ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जो है मतलब वुमेन यहाँ पे ये मेल का मैंने बताया ऊपर जो ए ऑप्शन में जो है ये मेल के लिए है और ये फीमेल के लिए। ओके, ये दोनों मतलब यहाँ पे मैंने सेम दे दिया, मेल एंड ये फीमेल जुलाई के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली डिसाइडेड टू रीजॉइन द प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना। यहाँ पे कुछ और आ गया, यहाँ पे योजना आएगा। ओके, राइट आंसर ऑफ 16th इज डी विच इज आंध्र प्रदेश। ओके, तो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना किस चीज़ के ऊपर है, तो बेसिकली फार्मर क्रॉप
सिक्योरिटी। लेट सपोज कि आपने एक खेती की और उसमें कोई भी नेचुरल क्लाइमेटी के कारण वो फसल जो है बर्बाद हो गया, तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि इसके थ्रू यहाँ पे उसका जो जितना भी सेटलमेंट है वो यहाँ पे मिल जाता है, लाइक फाइनेंस मिल जाता है, पैसे मिल जाते हैं इसके ऊपर। ओके, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो बेसिकली ये जो प्राइम मिनिस्टर फसल बीमा योजना जो है, ये 18 फरवरी 2016 को यहाँ पे लॉन्च किया गया था। ओके, एक्सेप्ट दैट अगर हम बात करें इसमें, तो यहाँ पे जो हमारे नरेंद्र सिंह तोमर हैं, फार्मर मिनिस्टर, यूनियन फार्म मिनिस्टर, वो यहाँ पे थे, और साथ ही में आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है हमारे, इट्स Y.S. जगन मोहन रेड्डी। तो यहाँ पे इन दोनों ने यहाँ पे टॉक किया, और जो नरेंद्र सिंह तोमर है उन्होंने भी बोला कि ठीक है भाई, अगर आपको हमारे पास आना है हम वापस आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं। वाई? बिकॉज यहाँ पर अराउंड 40 लाख फार्मर हैं, उनको यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है इफ एनी नेचुरल कैलामिटी हैपन्स। ओके, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है, ऐसी योजना होनी भी चाहिए। ओके, हर फार्मर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू CMD ऑफ रेलटेल रिसेंटली? राइट आंसर ऑफ 17 इज डी, विच इज अरुणा सिंह। तो अरुणा सिंह क्या है? इट्स IRSSE। ये क्या होता है? इट्स इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ सिग्नल इंजीनियर। ओके, तो ये जो है अगर आप UPSC एग्जाम जब आप क्लियर करोगे तो उसमें ये भी एक दिया हुआ रहता है, तो आपको मिल जाएगा। तो ये जो अरुणा सिंह जी हैं वो 1985 बैच की ऑफिसर हैं IRSSE की। ओके, एक्सेप्ट दैट अगर हम यहाँ पे बात करें तो शी इज़ हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 35 ईयर्स इन इंडियन रेलवे। ओके, एक्सेप्ट दैट शी इज़ ग्रेजुएट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन। ओके, तो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ज़रूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली अकॉर्डिंग टू WHO, इन विच कंट्री 2 सस्पेक्टेड केस ऑफ मैरबर्ग वायरस हैज़ बीन रिपोर्टेड? सो राइट आंसर ऑफ 18 इज बी, विच इज़ घाना। ओके, तो घाना में ये मिला है, एंड यहाँ पे 2 सस्पेक्टेड केस यहाँ पे दिखा दिए गए। ओके, एक्सेप्ट बट अगर हम बात करें तो ये मेनली यहाँ पे वेस्टर्न अफ्रीका में यहाँ पे ये मिल रहा है बार बार। ओके, एंड बताया जा रहा है कि इसका हाई फर्टिलिटी रेट है, यानी कि जिस अगर आप किसी को भी हो जाता है तो मतलब उसके मौत होने के चांसेस या फिर उसके डेथ होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाते हैं। ओके, कह सकते हो कि ये हाईली इन्फेक्शियस वायरल है। ओके, HIV नहीं है, इट्स हाईली इन्फेक्शियस वायरल। ओके, एक्सेप्ट दैट अगर हम बात करें देन इट बिलोंग फ्रॉम इबोला फैमिली, इबोला वायरस फैमिली। ओके, और जब भी आपको ये होगा तो इसमें आपको डायरिया, फीवर एंड वॉमिटिंग जैसे सिम्टम्स यहाँ तक देखने को मिलेंगे। ओके, होप कि किसी को ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली अडानी ग्रुप हैज ऑब्टेन LOI फॉर 5G सर्विस इन विच स्टेट? राइट आंसर ऑफ 19 इज सी, विच इज गुजरात। ओके, तो LOI का फुल फॉर्म क्या होता है? इट्स लेटर ऑफ इंटेंट, TENT। ओके, इंटेंट। तो यहाँ पे बेसिकली किस चीज़ के लिए किया गया, तो मतलब किसके द्वारा किया गया? इट्स डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, तो इसके द्वारा यहाँ पे किया गया था। ओके, अगर हम बात करें तो अडानी साहब जो है या फिर अडानी ग्रुप जो है वो बेसिकली अपना एक टेली कम्युनिकेशन या फिर टेलीकॉम सर्विस जो है वो अपना ओपन करने वाली है, कहाँ पे? गुजरात सर्कल में, सो दैट दे कैन प्रोवाइड लॉन्ग डिस्टेंस ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ऑफ कॉल एंड इंटरनेट फैसिलिटी। हाल ही में आपने सुना होगा कि अडानी ग्रुप जो है वो भी अब यहाँ पे टेलीकॉम सर्विस में आने वाली है, एंड दे आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन। इसमें भी ये लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं, अच्छी बात है। जितने जितने और यहाँ पे ऑप्शंस होंगे वहाँ पे जनता को चूज़ करने में उतना ही सही रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट वर्ल्ड यूथ स्किल डे? सो राइट आंसर ऑफ 20 इज बी, विच इज 15th of July। ओके, तो 15th of July को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। कब से कर रहे हैं? 2014 को यहाँ पे यूनाइटेड नेशन ने इसको बोला कि अब करो इसको, ठीक है। एक्सेप्ट दैट यहाँ पे बताया गया कि भाई अगर हम लोग किसी भी अपने यूथ को अगर हम स्किल्ड बना देंगे तो उनको एम्प्लॉयमेंट मिलने की जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, साथ में डिसेंट वर्क, एक्सेप्ट दैट एंटरप्रेन्योरशिप के भी काफ़ी बढ़िया चांसेस हो जाते हैं। ओके, एक्सेप्ट दैट दे आर आफ्टर गेटिंग स्किल्ड यहाँ पे यूनिक अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, एंड इवन दे कैन दे कैन हैव अ कन्वर्सेशन बिटवीन यूथ पीपल, यंग पीपल, सॉरी, ओके, यंग पीपल गलत हो रहा है थोड़ा सा, यंग पीपल। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन भी यहाँ पे प्रोवाइड करने की बात की गई है, साथ में ट्रेनिंग, एंड आफ्टर बिकमिंग ए स्किल तब आप यहाँ पे पॉलिसी मेकर भी यहाँ पे बन जाएंगे, साथ में आप पार्टनरशिप भी यहाँ पे कर सकते हो काफ़ी बड़े स्तर पे, एंड वेन एवर यू बिकम अ स्किल्ड तो यहाँ पे जितने भी चैलेंजेस आते हैं आप उसको टैकल कर पाएंगे, सच एज क्लाइमेट चेंज का यहाँ पे, और इसके अलावा अगर हम बात करें राइजिंग इनइक्वालिटी जो है उसको भी आप खत्म कर पाएंगे, साथ में जिस तरीके से यहाँ पे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है वो भी यहाँ पे हम लोग आराम से झेल पाएंगे। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे वुमेन रिप्रेजेंटेशन को भी काफ़ी इंपॉर्टेंस दी गई है। ओके, जो कि अच्छी बात है, हर सेक्टर में यहाँ पे वुमेन्स का होना इंपॉर्टेंट है, सो दैट दे कैन गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी। जितना मेन को मिलता है उतना ही वुमेन को भी मिलना चाहिए। ओके, तो थैंक यू गाइज, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।